हेलो गाइस, आज हम सेल वॉल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया। इसमें रॉबर्ट हार्टमैन साइंटिस्ट ने 1665 में डिस्कवर किया। सेल वॉल दरअसल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल वाइल एब्सेंट इन एनिमल सेल, ठीक है। और ये सेल के प्रोटोप्लाज्म से सीक्रेट होती है। इट इज सेक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म दरअसल हम सेल के न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, सेल के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। मेन जो सेल वॉल है, सेल के प्रोटोप्लाज्म से सेक्रेट होती है, ठीक है। अब हम इसके कंपोजिशन डिस्कस करते हैं। जो सेल वॉल है, इसकी कंपोजिशन इन केस ऑफ प्लांट सेल डिफरेंट होगी फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज धरती का एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमीन के पॉलीमीन मेनी एंड सेकेराइड मीन कार्बोहाइड्रेट। मीन के सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें एक और बात का ज्यादा करते जाऊं, जो सेल्यूलोज है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन द अर्थ, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, ठीक हो गया। प्लांट सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज दरअसल एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमीन मेनी एंड कार्बोसेकेराइड मीन कार्बोहाइड्रेट। दरअसल सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और सेल्यूलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ऑन अर्थ, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल म्यूमिन की बनी होती है, जो कि एक पेप्टाइडोग्लाइकन है। पेप्टाइड मीन अमीनो एसिड, ग्लाइकन मीन शुगर। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये म्यूमिन की बनी होती है, ठीक है। और इस पर हम देख लेते हैं कि फंगल सेल वॉल की कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन में ये काइटिन से बनी होती है, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है ये मैंने ड्रा किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने तीन सेल ड्रा किए हैं, तीन एडजेसेंट सेल, ठीक है। सबसे पहले हम इसका मिडल लेमेला देख लेते हैं। मिडल लेमेला दो नेबरिंग सेल्स के जो दरमियान में जो स्टिकी एक्शन प्रोवाइड करेगा उसको मिडल लेमेला कहेंगे, क्योंकि दो सेल्स को ये आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि स्टिकी एक्शन प्रोवाइड करता है मिडल लेमेला, ठीक है। स्टिकी एक्शन मिडल लेमेला दो नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़े रखेगा, मीन के स्टिकी एक्शन प्रोवाइड करेगा। मीन के दो नेबरिंग सेल्स के दरमियान में जो चीज होगी उसको मिडल लेमेला कहेंगे। ये मैंने शो किया हुआ मिडल लेमेला, ठीक है। और इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी प्राइमरी सेल वॉल। जो इसकी प्राइमरी सेल वॉल है दरअसल ये ही इसकी ट्यूब सेल वॉल है, ठीक है। और ये बनी होती है सेल्यूलोज की, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन से, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसकी देख लेते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड होगी, मीन के ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक हो गया। और ये इसकी प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जहां कहीं इधर सेकेंडरी सेल वॉल होगी। ठीक है, मेन के जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये वाली, ये सेकेंडरी सेल वॉल ये प्राइमरी सेल वॉल के इनसाइड होगी, ठीक हो गया। और ये बनी होगी इन, ये बनी होगी इनर कैनिंग स्पॉट स्लीका वैक्सिस क्यूटिन एंड लिगनिन की, ठीक है। और बुक में एक और चीज मेंशन की गई है कि सेल वॉल की स्ट्रेंथ का राज किस चीज में है। इसका राज यह है कि जो सेल वॉल है इसमें जो सेल्यूलोज के फाइबर है, जो सेल्यूलोज के फाइबर है, जो सेल्यूलोज के फाइबर है वो आपस में एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट से जुड़े होते हैं। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट क्या है? कि सेल्यूलोज के फाइबर एक दूसरे के 90 के एंगल पर मौजूद होते हैं, इस तरह 90 के एंगल पर मौजूद होते हैं एक दूसरे से,
देखें ये एक फेबर इस तरह जा रहा है, दूसरा फेबर इस तरह लैंड फेबर बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये क्रिस क्रॉस लाइनिंग करके सेल्यूलोज के फेबर सेल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेल के फंक्शन देख लेते हैं, सेल वॉल के फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है सपोर्ट, मेन के लिए सेल को टेलिटी प्रोवाइड करती है सेल वॉल, टेलिटी। ठीक हो गया। और इसका दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन, ठीक है। जो सेल वॉल है ये सेल को प्रोटेक्ट करती है किस चीज से, पैथोजन से, मीन के बैक्टीरिया और वायरस वगैरह से, बैक्टीरिया प्लस वायरसेस। जो सेल वॉल है ये बैक्टीरिया और वायरसेस को अपने अंदर से गुजरने से भी रोकती है, एक बैरियर प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया। और तीसरा जो काम है कम्युनिकेशन, ये दो नेबरिंग सेल्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन का काम भी प्रोवाइड करती है, जो कि प्लाज्मा डेंसमेटा जो एक सुराख है उसके थ्रू होता है, ठीक है। इसके थ्रू दो सेल्स आप अपने मटेरियल्स को एक्सचेंज करेंगे, मीन के कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और जो इसका पांच चौथा फंक्शन है वो है विदस्टैंड अंडर प्रेशर। जो सेल वॉल है जब सेल का अंडर प्रेशर इंक्रीज करता है तो सेल के फटने का खतरा होता है, ठीक है, मीन के बर्स्ट का। जब सेल का अंडर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है तो सेल वॉल सेल को फटने से रोकती है, मीन के बर्स्ट से रोकती है, ठीक है। और इसका पांचवा फंक्शन है वो स्टोरेज। आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि सेल वॉल किस तरह स्टोरेज का काम करती है। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट सेल जो कि हमने डिस्कस किया है कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और सेल्यूलोज तरकीब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कह सकते हैं कि ये एक एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल है, ठीक है। तो इस वजह से जो बहुत सारे प्लांट्स हैं उनकी जो सीड की सेल वॉल होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की सूरत में एनर्जी स्टोर होती है। प्लांट सीड्स की सेल वॉल में जो कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। आज हमने सेल वॉल पढ़ा, इसमें हमने सबसे पहले देखा कि इसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया। इसके बाद हमने देखा कि ये प्रोटोप्लाज्म से क्रिएट होती है, फिर हमने इसकी कंपोजिशन देखी, फिर हमने देखा कि प्लांट सेल वॉल प्रोकैरियोट के सेल वॉल से कंपोजिशन में डिफरेंट है, ठीक है। वो इसका हमने कंपेरिजन यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इसके स्ट्रक्चर में हमने प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला का अपना स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। इसके बाद हमने ये पांच मेन पॉइंट्स हैं ये डिस्कस किए, ठीक है।